कुंभ राशि, छप्पर फाड़ बरसे का पैसा। 15 अक्टूबर के दिन मिलेंगे दो बड़े शुभ समाचार। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 15 अक्टूबर के दिन किस तरह के दो बड़े शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, आज की वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में जो कि पहले से अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति आकाशमंडल में कई शुभ योग का निर्माण करती है, जिसका सभी 12 राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में शुभ योग ठीक स्थिति में बन रहे हैं तो इसकी वजह से जीवन के हर क्षेत्र में शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी विपरीत स्थिति जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 15 अक्टूबर के दिन कुंभ राशियों के ऊपर जो कि छप्पर फाड़ पैसा बरसने वाला है, साथ ही साथ दो बड़े शुभ समाचार भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, ईमानदारी से किए गए कामों से आपको लाभ मिल जाएगा और इससे लाभ आपको बहुत गुना और बहुत ज्यादा मिल जाएगा। भाग्य और कर्म दोनों के मेल से बिगड़े काम भी बनेंगे। ऑफिस में प्रबंधन क्षमता की परीक्षा का दिन है, तो वही निकट सहयोगी पीठ पीछे साजिश रच सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों का व्यापारिक मामलों में सम्मान बढ़ेगा, विरोधी भी आप पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें, युवाओं के लिए नौकरी और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर फोकस करने का समय आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। दोस्तों, काम धंधे नौकरी से संबंधित कोई योजना आपके मन में होगी। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आपके पास अधिक काम हो सकता है, लेकिन इस काम को यदि आप दूसरों में भी बांट दें तो आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और काम भी आसानी से पूरा हो जाएगा। पैसों से जुड़े हुए कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा या कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह के दो शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का कोई व्यवसाय है या फिर नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, उनको इस दिन बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता है और यह लाभ आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। महंगाई के इस दौर में आप अपने व्यवसाय से खूब आगे निकलेंगे और एक नया नाम बनाएंगे, बस इसमें मेहनत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो शुभ समाचार है, जो लोग शादी के लिए उतावल हैं या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या किसी लव लाइफ से जुड़ी परेशानी चल रही है, तो इसका हल आपको इस दिन मिलने वाला है। साथ ही शादी के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं। ऐसे में जो भी रिश्ते आपके सामने आएंगे उसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, उनके बैकग्राउंड्स को चेक कर सकते हैं, उसके बाद अगर पसंद आए तो उनसे आप शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दो शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके अधिकारी या फिर मालिक आप पर अभी पूरी तरह से मेहरबान हैं और आपको जल्द ही पदोन्नति मिलने वाली है। कार्य या फिर उच्च शिक्षा के लिए आपको यात्रा करने का मौका भी मिलने वाला है। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी, बस धन के लेन देन में सावधान रहेगा। दोस्तों, खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय जरूर निकालें। आपके ग्रहों के अनुसार आपकी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत अच्छे परिणाम लाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। हो सकता है आपका ध्यान आपके काम से हटकर किसी बेकार की बात में लग जाए, इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं।
एक तो आपका समय खराब होगा और दूसरे आपका ध्यान काम से हट जाने के कारण आपके काम का भी नुकसान होगा। अपने काम को पूरी ध्यान से करने की कोशिश करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी जिंदगी में यात्राओं का योग बन रहा है जो धर्म संबंधित भी हो सकता है। सोलमेट से मिलने वाले सरप्राइज या फिर खास अवसर के लिए तैयार हो जाएगा। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके खास हैं। बस माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल जरूर रखिएगा। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको गहन चिंता में डाल सकता है जिससे कि आपको मानसिक दुविधा भी हो सकती है। आप होशियारी या फिर स्वयं जरूरत अनुसार उपचार करेगा, इससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के जो कि कुल पंडित रहेंगे उनसे संपर्क अवश्य करेगा। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।